प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए आज देश को संबोधित किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मन की बात कार्यक्रम हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित होता है और आज 27 अगस्त को मन की बात का 104 एपिसोड था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि मिशन चंद्रयान नए भारत की स्पिरिट का प्रतीक है। चंद्रयान की सफलता के बाद आज मन की बात का 104 एपिसोड सुनने के लिए जम्मू के बेबी कैटर्स में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम वार्ड 24 के लोगों के लिए आयोजित किया गया। सभी लोगों ने एक साथ बेबी कैटर्स में एकत्रित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम सुना। इस कार्यक्रम का आयोजन भाजपा स्टेट सेक्रेटरी अरविंद गुप्ता और मंडल वाइस प्रेसिडेंट भुवनेश गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रमोद कपाही गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उपस्थित थे। इसी के साथ इस कार्यक्रम में रेहाड़ी बख्शी नगर मंडल प्रधान अतुल बख्शी, मंडल सोशल मीडिया इंचार्ज प्रदीप शर्मा, बूथ प्रेसिडेंट सचिन खन्ना और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मन की बात कार्यक्रम सुनने के साथ साथ भाजपा जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने वार्ड नंबर 24 के वरिष्ठ लोगों को सम्मानित किया। डॉक्टर केडी गुप्ता, प्रोफेसर वीरेंद्र गुप्ता, प्रोफेसर सुशील शर्मा और रेहाड़ी कॉलोनी आर्य समाज के पूर्व प्रधान कुलदीप गुप्ता। वार्ड नंबर 24 के इन सभी वरिष्ठ नागरिकों को अशोक कौल द्वारा सम्मानित किया गया। बड़ी संख्या में वार्ड नंबर 24 के लोगों ने एकत्रित होकर जम्मू के बेबी कैटर्स में मन की बात कार्यक्रम सुना। नई सफलताएं हासिल कर रहे, मैं आज मन की बात में एक ऐसे टूर्नामेंट की बात करूंगा जहां हाल ही में हमारे खिलाड़ियों ने देश का परचम लहराया है। कुछ ही दिनों पहले चीन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए। आप जैसे देख रहे हैं कि आज मन की बात का प्रोग्राम बेबी कैटर्स में वार्ड नंबर 24 की तरफ से आयोजित किया गया है। इसमें प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में मोस्टली जो योगदान रहा है हमारे मंडल के उपाध्यक्ष अपना भुवनेश जी का है। भुवनेश जी ने एक हमने मन बनाया था कि मन की बात का 104 एपिसोड जो है वो अपने वार्ड में एक इकट्ठा करके सभी लोगों को इकट्ठा करके हम सुनेंगे। आप सभी देशवासियों के लिए 140 करोड़ लोगों के लिए आज मुबारक की बात है कि जो चंद्रयान 3 था हमारा चंद्रमा में साउथ पोल में लॉन्च किया, सॉफ्ट लैंडिंग हुई और भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जो चंद्रयान में साउथ पोल में पहुंचने वाला देश बना है। उससे पहले भी 3 कंट्रीज जो थी वो चंद्रमा पे गई थी। चंद्रमा पे अमेरिका, यूएसए, चाइना और रशिया। रशिया 1976 में था जब रशिया यूनाइट था और उसके बाद रशिया, इंडिया जो है इंडिया तीसरे नंबर में उस लीड में इंडिया तीसरे स्थान पर और वर्ल्ड में साउथ पोल में जो जाने वाले इंडिया पहली कंट्री है। आपने मन की बात में सुना होगा कि हर महीने के लास्ट ऐतवार मन की बात का प्रोग्राम होता है जिसमें मोदी जी अपना जो बातें हैं वो हमारे से साझा करते हैं और इस मन की बात का प्रोग्राम को लेके मोदी जी काफ़ी वो रहते हैं कि हर व्यक्ति मन की बात जो है वो महीने के आखिरी ऐतवार को सुने। आपने जो 100 एपिसोड हुआ था इससे 4 अप्रैल में जो हुआ था उसको हमने एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट किया था और आपको ये जानकारी होगी ये मन की बात का ये प्रोग्राम है किसी भी देश के प्रधान की तरफ से ऐसा पहला प्रोग्राम है जो जिसका 104 एपिसोड हो रहा है। अदरवाइज बाकी कंट्रीज़ के उन्होंने प्रोग्राम जब शुरू भी किए थे वो 51, 52, 53 एपिसोड के बाद ख़त्म हो गए थे, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री जी का, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का इतना वो है कि लोगों को लगातार 104 एपिसोड हो गए हैं और लोगों को वैसे ही क्रेज़ बनी हुई है इस एपिसोड को सुनने के लिए और लोग अपनी बात इस एपिसोड में साझा करते हैं। आप देख रहे होंगे कि कितने लोग इस मन की बात का प्रोग्राम सुनने के लिए बेबी कैटर में इकट्ठे हुए हैं।